नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने मंगलवार को अपना नामांकन भरा। इससे पहले सेक्टर 17 में कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता एसबीआई की मुख्य बिल्डिंग के बाहर एकजुट हुए। भारी तादाद में यहां पर कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता पहुंचे। मनीष तिवारी जब अपना नामांकन भरने डीसी ऑफिस पहुंच रहे थे तो उस वक्त वो संविधान की कॉपी हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर एसएस आहलूवालिया, मेयर कुलदीप कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की के साथ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। कांग्रेस और आप एकजुट होकर चंडीगढ़ में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मनीष तिवारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और मनीष तिवारी हर बार ये कहते हुए आए हैं कि इस बार चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, इसी वजह से वो संविधान की कॉपी हाथ में पकड़े हुए नामांकन भरने पहुंचे थे। नामांकन के दौरान डॉक्टर एस एस आहलूवालिया आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में भी रोड शो करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र के हत्यारे को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता संतांशु शर्मा की रिपोर्ट। चलिए सर, आज इंडिया लाइन्स के मनीष तिवारी ने नॉमिनेशन की है। अब किस तरह से देखते हैं जो चुनाव की तैयारी होंगी? और देखो ये सारे मुबारक है जी। क्यों मुबारक हैं? क्योंकि आप बात करते थे 10 साल में बहुत काम किए, ये काम किए कि प्रेस के पास भी आज़ादी नहीं रही। जो प्रेस है वो भी इस सिस्टम के अंदर डर के बैठ गई थी, सच तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो देशद्रोह का मामला हो जाता है। तो इस तानाशाही से देश को बचाना है और इंडिया ब्लॉक की सरकार को सेंटर में बनाना है। और बार बार एक ही नारे चल रहे हैं, इस बारी मनीष तिवारी, जिस हिसाब से मेयर चुनाव के अंदर इन लोगों ने लूटपाट करी थी वोटों की, और उसके बाद भी हम लोग जीत गए, लूटपाट के सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से मेयर चुनाव में इनको हराया था, एमपी के अंदर भी इनको हराया। सर, जिस तरह से एनडीए गठबंधन 400 पार के नारे दे रहा था और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये कह रहा था हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जीत निश्चित हो? नहीं, ये तो यकीन है जी। पहले कहते थे 400 पार, अब लोग कह रहे हैं इनकी 400 से होगी हार। तो ये क्लियर है कि इनकी सरकार नहीं बन रही। और जैसी स्टेटमेंट्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल दे रहे हैं, लोगों को भी क्लियर हो गया भी कैसी बातें कर रहे हैं। इस बार ये साफ है सर, जिस तरह से केजरीवाल जी भी आप बाहर आ गए, उन्होंने भी चुनावी अभियान में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, किस तरह से देखते हैं कि अब चुनाव में केजरीवाल? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे हरमन प्यारा नेता हैं, उनको पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर भी बहुत प्यार मिलता है। आजकल सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी नेता की है तो अरविंद केजरीवाल जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे पंजाब में भी आएंगे रोड शो पे और यहाँ पे भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।